हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग वेब ट्रिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में, बेहद ही पॉपुलर एप्लीकेशन है दोस्तों, लेकिन आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में मैं गारंटी देता हूँ कि आप नहीं जानते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कितने लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूँ कि इस एप्लीकेशन के द्वारा अपने ब्लॉग के एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, आपके पेज या फिर आपका पोस्ट कब इंडेक्स हो रहा है, कब रैंक कर रहा है, कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, या फिर आप अपना आर्टिकल किस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं, वो दोस्तों आपको सारी चीज़ें सजेस्ट करेगा इस एक एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों, यह एप्लीकेशन जो है कि गूगल द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन और बहुत ही पॉपुलर, बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप फाइनली इस एप्लीकेशन का यूज़ करना शुरू कर देंगे, अभी से शुरू कर देंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने रैंक करा लेंगे, SEO करा लेंगे, और दोस्तों आपके ब्लॉग पर भी काफ़ी अमेजिंग ट्रैफिक आने लगेगी। दोस्तों, मैं पर्सनली इस एप्लीकेशन का बहुत ही दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, और मेरे ट्रैफिक कितनी है, कितने मेरे पोस्ट इंडेक्स हो रहे हैं और किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा एप्लीकेशन है और उसे कैसे यूज करना है दोस्तों, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं फाइनली जो है कि यहाँ पर अपने 401 वीडियोज़ जो है कि आज क्रॉस कर चुका हूँ दोस्तों, अपने वीडियो में, अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप सबके हिसाब से जो है कि बहुत सब्सक्राइबर है मेरे, इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, जिन लोगों को मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता है या फिर उन्हें मेरी वीडियोस पसंद नहीं है, तो दोस्तों मेरे चैनल को फाइनली अनसब्सक्राइब कर दे दोस्तों, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाता हूँ सारे दोस्तों रिसर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद ही वीडियोज़ को बनाता हूँ। तो दोस्तों, मैं बकवास क्या कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं कि मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर जो है कि आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, और दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ब्लॉग कंपास। दोस्तों, अगर जो लोग इस काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, और दोस्तों जो लोग नहीं जानते, तो दोस्तों यह जो है कि गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है और बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, मैंने इसको जो है कि यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो दोस्तों आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं दोस्तों आपको फाइनली शुरू से दिखा देता हूँ किस तरह से इस पर वर्क करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं गूगल कंपास, इसे इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों, यह आपका स्टार्ट हो जाएगा गूगल कंपास एप्लीकेशन। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों गूगल की तरफ। इसके यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों, आपको फाइनली यहाँ पे अपना गूगल का आईडी और पासवर्ड डाल के दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपना वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप वर्डप्रेस पे चला रहे हैं तो आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट सेलेक्ट कर लेनी है, या फिर आप ब्लॉगर की वेबसाइट चला रहे हैं तो ब्लॉगर की वेबसाइट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जो कि पहले से लॉगिन कर रखा हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं करता हूँ, यह सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है कि मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को दिखाया था। तो दोस्तों, मैं फाइनली इधर मैं दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ ब्लॉग कंपास यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मेरा आप देख सकते हैं कि इस वीक का ट्रैफिक जो है कि मेरे पास 2208 है, और यहाँ पे +709 लगभग 47% जो है कि मेरी ट्रैफिक इंक्रीज हुई है दोस्तों इस महीने में, तो जो कि काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। और दोस्तों, यहाँ से आप अपनी एक्टिविटी देख सकते हैं, ठीक है। आप जिस वेबसाइट को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, आपको सिर्फ उसी वेबसाइट की एक्टिविटी दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फाइनली इधर में जो है कि विजिटर डिक्रीज हुआ है। जो दोस्तों, मैं इधर पे थोड़ा दिन काम नहीं कर रहा था, आप देख भी रहे होंगे अगर हमारे वेबसाइट पे आप रेगुलर रहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले मंथ के अपेक्षा जो है कि इस महीने में ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन इस महीने में जो हमारे विजिटर शुरू में थे लास्ट 7 डेज में थोड़ी बहुत इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अभी देखिए ट्रैफिक बढ़ रहा है क्योंकि मैं फाइनली यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया हूँ। और यहाँ पे आप यूनिक विजिटर देख सकते हैं कितने आपके, कितने एज के लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पर, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, और सर्च इंजन के द्वारा कितनी ट्रैफिक आ रही है, फेसबुक के द्वारा कितनी ट्रैफिक आ रही है, यूट्यूब के द्वारा कितनी ट्रैफिक आ रही है, फिर किस वेबसाइट से आपका जो है कि बैकलिंक्स मिला हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपका जो कीवर्ड है जो रैंक किया हुआ है, वो कीवर्ड भी आपको दिखेगा। तो दोस्तों, कैप्टन मार्वल स्टोरी जो कि मेरा कीवर्ड रैंक है, जो कि 550
50 लोगों ने इस हफ्ते सर्च किया है, इतने से इतने डेट के बीच में, मतलब 6 दिन में 550 लोगों ने इस सर्च किया है, और लगभग 40 लोग हमारे इस कीवर्ड की मदद से हमारी वेबसाइट पे आए हैं फिर इस कीवर्ड की मदद से। तो बहुत सारे कीवर्ड्स जो है कि मैंने रैंक करा रखे हैं, और मेरा जो टॉप पोस्ट है यहाँ पर दिखा दे रहा है, हैप्पी होली विशिंग वेबसाइट स्क्रिप्ट फॉर ब्लॉगर। तो दोस्तों मेरा टॉप पोस्ट है इस हफ्ते का, और उसके बाद सेकेंड पोस्ट है हु इज़ द कैप्टन मार्वल एंड ऑल पावर्स, उसके बाद थर्ड पोस्ट है एड फ्लाई फ्री एक्टिवेशन की। तो दोस्तों ये जो कि हमारा कीवर्ड था और कुछ पोस्ट थे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इस वीक का देख रहे हैं आप, मंथ का भी देख सकते हैं, 3 मंथ्स का देख सकते हैं, और पूरे ईयर का देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जो है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अगर मैं हर एक चीज़ बताने लगूँ तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं कि दोस्तों आपको किस टॉपिक पे कितना ट्रैफिक मिला। तो दोस्तों अभी जो है कि कीवर्ड जो कि PDF है, इस पर आप देख सकते हैं कि मंथली सर्चेज कितने हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही कहते सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, लोग 22 करोड़ के आसपास लोग जो कि इसको सर्च कर रहे हैं हर हफ्ते, जो कि मंथली हर मंथ में इतने लोग सर्च कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों ये जो कि रिलेटेड टॉपिक्स है आपके आपके ब्लॉग से रिलेटेड, तो दोस्तों ये सब कीवर्ड के ऊपर जो कि आप अपना नेक्स्ट आर्टिकल लिख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अभी देखिए इंडिया वीएस न्यूजीलैंड ट्रैप जो कि सर्चिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है इंडिया में, शोइंग टॉपिक्स फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया में जो कि भी है सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इन सब के ऊपर अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं तो उसके ऊपर लिख सकते हैं, या फिर वायरल ब्लॉगिंग करते हैं तो उसके ऊपर आप ये सब आर्टिकल जो कि लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप आपके लिए पर्सनली जो है कि यहाँ पे खोज के देता है पे आपको अपना नेक्स्ट आर्टिकल लिखना चाहिए, तो मुझे हिंदी पे लिखना चाहिए, मोबाइल फ़ोन पे लिखना चाहिए, हेल्थ पे लिखना चाहिए, या फिर पेटीएम से रिलेटेड लिखना चाहिए। तो ये सारे रिलेटेड कीवर्ड जो है कि आपके लिए खोज के रखा जाता है, और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सर्च कर सकते हैं, या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में आपका ब्लॉग है तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ प्रॉब्लम के चलते यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पिछले मंथ का प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पे आपको जो कि दिखाया जाता है, और दोस्तों अभी तक मेरा इस मंथ में लगभग 3504 विजिटर व्यूज आ चुके हैं, और यूनिक विजिटर 1225 हैं, और पोस्ट दोस्तों मैंने अभी तक यहाँ पे लगभग 16 पोस्ट कर दिए हैं, 16 पोस्ट से भी ज़्यादा हो गए, लगभग 86 पोस्ट हो रहे हैं, जो कि दोस्तों मैंने कुछ इंक्लूड किया था अपना ब्लॉग जो कि माइग्रेट किया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे 86 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यह इस कन्फ्यूजन वाला है उसको छोड़ दिया, यहाँ पे आप कलेक्ट देख सकते हैं, लेकिन मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, अक्टूबर से मैं इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ। पिछले मंथ में आप सकते अक्टूबर मंथ में 2018 में देख सकते हैं मेरा कम विजिटर थे, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ नवंबर मंथ में, उसके बाद इंक्रीज हुआ दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, फरवरी में और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, अभी इस मंथ में जो है कि लगभग 4000 होने वाला है और भी इंक्रीज होंगे। उसके बाद दोस्तों जो मेरा फाइनली टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कौन सा पोस्ट रैंक हो गया है गूगल में, इंडेक्स हो गया, और किस कीवर्ड पे जो है कि रैंक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ जो मेरा रैंक है, तो मैं यहाँ पे आप देख दिखा देता हूँ कि कौन से मेरा जो है कि यहाँ पे रैंक कर चुका है, और किस प्रॉपर कीवर्ड के ऊपर वो जो कि सर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कोई अच्छा सा, ये हैप्पी होली विशिंग वेबसाइट स्क्रिप्ट, तो ये मेरा रैंक है, और मैं देखता हूँ कि किस कीवर्ड के ऊपर ये मेरा जो है कि पोस्ट रैंक हुआ है, और इस पर लोग कितना टाइम बिताते हैं। तो दोस्तों इस पर एक विजिटर जो है कि लगभग 1.5 मिनट तक हमारे वेबसाइट पे रहता है, और लगभग 212 व्यूज हो चुके हैं, और मैंने फाइनली जल्दी में ही लिखा था, और इन इन कीवर्ड के ऊपर जो है कि मेरा यह पोस्ट रैंक है, बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर मेरा यह पोस्ट रैंक है। अगर कोई भी ये सर्च करता है होली विशिंग स्क्रिप्ट, दोस्तों मेरा आर्टिकल वहाँ पर शो होगा, और यहाँ पर दिखा रहा है क्रॉल्ड है इन जो कि इंडेक्स हो गया है, शो एंड गूगल और क्लिक ऑन गूगल। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको सिखाई देंगी, और दोस्तों आपका जो अगर अब जल्दी में जो भी आर्टिकल लिखे होंगे वह दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा जल्दी में है, अभी आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे रैंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो आर्टिकल अभी आप जल्दी में लिखे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है, सारे 16 मार्च के ही दिख रहे हैं। तो हम नीचे और चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अभी मैंने माइग्रेट किया था ब्लॉग, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, ब्लॉग में। तो यहाँ पे अब जो मेरा पर्सनल मैंने जो लिखा है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने पर्सनल लिखा है, बाकी सारे तो डेमो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाल ही में लिखा था व्हाट इज UX डिज़ाइन इन हिंदी, तो इस पर आप देख सकते हैं कि मेरा इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरा क्रॉल हो गया, इंडेक्स हो गया, गूगल में शो भी करने लगा, लेकिन अभी इसके थ्रू मेरा कीवर्ड अभी कोई भी रैंक नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से क्लिक डाउन गूगल नहीं शो कर रहा है। तो दोस्तों जब यह गूगल में शो करने लगा, जब कीवर्ड रैंक कर जाएगी, तो यह चीज़ें जो है कि आपके सामने शो होने लगेंगी। तो दोस्तों यह फाइनली बहुत ही अमेजिंग था, और यहाँ पर दोस्तों आपको
सारी चीज़ें आपको शो होंगी, जो आपकी एक्टिविटी थी या फिर जो आपको पॉपुलर सर्च शो कर रहा था, टॉपिक भी देख सकते हैं। अगर यह सेट मिसाइल के ऊपर आप लिखना चाहते हो तो इसका टॉपिक डिटेल भी आपको दिखाई देगा, कितना ओवर टाइम है, कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, इसका रिलेटेड टॉपिक क्या है, रिलेटेड रिजल्ट क्या है, कितने लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिख रखा है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करने लगेंगी, जितने भी आर्टिकल्स डिटेल होंगे यहाँ पर, तो सब चीज़। तो दोस्तों यह बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है, इसे आप पर्सनली यूज़ करिए, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप इसकी मदद से आप अपने ब्लॉग का SEO कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। सारी चीज़ें आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है दोस्तों, आपको अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको टॉपिक रिसर्च करने के लिए कहीं भी नहीं जाना है, फिर अपने एनालिटिक्स पेज को चेक करने के लिए कहीं नहीं जाना है, तो सारी चीज़ें आपको एक एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जा रही है। या फिर आप ब्लॉगर यूज़ करते हो या फिर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप दोनों के लिए या जो कि अवेलेबल है, या आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो भी आपका यहाँ पे शो करेगा, या फिर आप ब्लॉगर यूज़ करते हैं तो भी आपका वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आसानी से शो करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को ज़रूर दबाइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।